हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड फॉर नर्सेस चैनल। टुडे टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर जेएनएम फर्स्ट ईयर एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में कौन सी ऑर्गन है और पार्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकल देती है, रिमूव कर देती है। ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी यूरिनरी सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल आर साइनसेस बिलोंग टू पैरानजल साइनसेस एक्सेप्ट ऑप्शन ए मैक्सिलरी, ऑप्शन बी इथमॉइड, ऑप्शन सी स्पिनॉइड, ऑप्शन डी मास्टॉइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मास्टॉइड। बिकॉज ऑफ एयर कैविटीज इन द फ्रंटल मैक्सिलरी एंड स्पिनॉइड और इथमॉइड बोन्स आर कॉल्ड पैरानजल साइनस एक्सेप्ट क्या था मास्टॉइड। सो दैट्स वाई मास्टॉइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन ए वार्मिंग ऑफ इंस्पायर एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर सी रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर, ऑप्शन नंबर डी डिसइनफेक्ट द एयर एंटरिंग टू द लंग्स। लंग्स में जो नेजल कैविटी है, सॉरी नोज में, तो उसे नेजल कैविटी का काम क्या है, फंक्शन क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डिसइनफेक्ट द एयर एंटरिंग द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, रिंग्स फाउंड ऑन ट्राकिया आर डैश इन द नंबर। नंबर क्या है, ऑप्शन ए 8 to 10, ऑप्शन बी 5 to 7, ऑप्शन सी 16 to 20, ऑप्शन डी 10 to 13। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द वॉल ऑफ ट्राकिया दैट इज विंड पाइप मेनली कंपोज्ड बाय 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स, शेप ऑफ द रिंग्स आर ऑप्शन ए सी शेप्ड, ऑप्शन बी एस शेप्ड, ऑप्शन सी कोन शेप्ड एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कार्टिलेज दैट आर कंप्लीटली इन सर्कल ऑफ द लैरिंग्स विद द नैरो पार्ट ऑफ एंटीरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट ऑफ पोस्टीरियरली इज कॉल्ड। जैसे कि लैरिंग्स को इन सर्कल किया जो रिंग्स ने और कार्टिलेज ने, उसमें से कौन सी कार्टिलेज है जैसे कि एंटीरियरली नैरो पार्ट है एंड पोस्टीरियरली ब्रॉड पोर्शन है। ऑप्शन ए थायरॉइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी एडिशनल कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी एपिग्लोटाइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्रिकॉइड कार्टिलेज। बिकॉज ऑफ लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स कॉन्सिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेज बाउंड टूगेदर बाई एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। एमंग द क्रिकॉइड कार्टिलेज अ टाइप ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज इज द लोअर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स शेप्ड लाइक ए सिंस रिंग। द बोर्ड पोर्शन इज बींग पोस्टरली एंड एंटीरियरली इज नैरो पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द वॉइस बॉक्स इज नोन एज ऑप्शन ए फैरिंग्स, ऑप्शन बी डायफ्रगम, ऑप्शन सी ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन डी लैरिंग्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर नर्व्स एट द एंटायर ऑफ द नैरो फैरिंग्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्राकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन बी इसोफेजियल एट्रेसिया, ऑप्शन सी कोनल एट्रेसिया, ऑप्शन डी डायफ्रामेटिक हाइनिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कोनल एट्रेसिया। बिकॉज ऑफ कोनल एट्रेसिया इज द कॉन्जेंटल ऑक्लूशन ऑफ द पैसेज बिटवीन द नोज एंड द फेरिंग्स बाई ए बोनियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कोनल एट्रेसिया। ऑप्शन ए कॉन्जेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरोफेरिंग्स, ऑप्शन बी कॉन्जेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियल ईयर, ऑप्शन सी कॉन्जेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, ऑप्शन डी कॉन्जेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नैजोफेरिंग्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कॉन्जेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नैजोफेरिंग्स।
द पैसेज बिटवीन द नोज एंड फेरिंग्स. क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग सेलोइंग फूड इज स्टॉप्ड बाई एंटरिंग द लैरिंग्स बाई द ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी ईस्टर्जन ट्यूब, ऑप्शन डी एपिग्लोटाइटिस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एपिग्लोटाइटिस, बिकॉज ऑफ एपिग्लोटाइटिस इज द अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स लोकेटेड इमीडिएटली पोस्टीरियर ऑफ द रूट ऑफ द टंग. इट कवर्ड द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स व्हेन द इंडिविजुअल सेलोस द प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे. जो कि आदमी खाती है, खाना खाती है, तो उसी टाइम से लंग्स में खाना जाने के लिए प्रिवेंट करती है एपिग्लोटाइटिस. क्वेश्चन नंबर 11, द लैरिंग्स इज क्लोज्ड ड्यूरिंग सेलोइंग बाय ऑप्शन ए वोकल कॉर्ड, ऑप्शन बी एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऑप्शन डी थायरॉइड कार्टिलेज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एपिग्लोटाइटिस. आज की टॉपिक इतना तक ही था. नेक्स्ट मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का अदर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट था. इसमें से जो भी एमसीक्यू मैंने बोली ये इंट्रोडक्शन पार्ट किया है. नेक्स्ट मैंने लंग्स और लंग्स अदर जो पार्ट है उसको लेके मैंने एमसीक्यू बनाऊंगी, ठीक है, वीडियो डालूंगी. तो प्लीज़ कमेंट करना कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको, ठीक है. थैंक यू.